एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी 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 वैलेंटाइन डे। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है और आज मैंने व्लॉगिंग सीरियसली बहुत लेट शुरू करी है। और हम लोगों ने अभी शाम का नाश्ता किया है, वो थे ब्रेड पकौड़ा और गोभी के पकौड़े खाए हम लोगों ने अभी। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, तो मैं जाऊंगी तैयार होने और मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या दिया है और फिर मैं तैयार होने जा रही हूँ फ़िलहाल तो। और मैंने लव स्टोरी पोस्ट करी है आज और लव स्टोरी आप में सबको बहुत पसंद आई है। मतलब सबसे बड़ी बात उसमें कि आप लोगों ने सीरियसली इतनी पसंद करी है कि उसमें एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है और सब कुछ बहुत अच्छा गया लव स्टोरी के हिसाब से। हाँ, और मैं थ्रेडिंग बनवाई थी एज़ यूजुअल। मैं थ्रेडिंग नहीं बनवा पाई हूँ, मैं नेल्स करने पहले जाके सबसे पहले, और फिर आई थिंक बाल मैं ऐसे ही रखूँगी, थोड़े बहुत क्रिम्प कर पाई तो करूँगी, अदरवाइज आई विल लीव इट लाइक दैट। और कुछ। हाँ, सो आप लोग का वैलेंटाइन डे कैसा जा रहा है? कहाँ आप लोग ज़रूर डिनर पे गए होंगे या घूम रहे होंगे या कोई टीवी देख रहा होगा, कोई मेरी लव स्टोरी देख रहा होगा। राजा वो क्या कर रहे हैं? हाँ, बोझो अभी घूमने में लगा है। तो अब मैं जा रही हूँ डायरेक्टली तैयार होने और उसके बाद ही मैं आप लोगों से मिलती हूँ, फिर हम लोग अच्छे से बात करेंगे और मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। और रात ही हो गई है, अब शाम के 6-7 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। या बोनी आ जाओ। हाय मेरी बोनी, आ जाओ तो आ जाओ। चलो भी चले राजा से घुमा लो। चलो मेरे बाबा, चलो। हाय मेरी बच्ची, गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। सो बोलो अभी जा रहा है अपनी इवनिंग वॉक पे, क्योंकि ये अभी एक मिशन पे है। ये है मिशन डाइटिंग पे, है ना? डाइटिंग पे आ रहा था, डाइटिंग पे तो पता नहीं, खाना तो खा लेता है पर हाँ, ये चार बार घूमने जाते हैं। तो चार बार तो ये अभी तीसरी बार जाएगा। जा रही हो घूमने? जाओगी तुम घूमने? जाओगी ना? तो चलो हैप्पी वैलेंटाइन डे करो। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। ऐसे करोगे? अच्छे से करो। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू पुच्ची। पाल कर दो। गुड बॉय, गुड बॉय, मेरी गुडी बॉय, मेरी गुडी गुडी बॉय। इसको ये बहुत पसंद है। प्लीज डोंट माइंड माई नेल्स, डोंट माइंड माई नेल्स। सो नाउ आई एम गोइंग, क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं और मैं तैयार हो जाऊँ। मेरे को लग रहा है बालों में ऑयल आ गया है। और देखिए आज ठंडी नहीं है बिल्कुल भी, मैं अपने गर्मी के कपड़ों में घूम रही हूँ। और मैं आपको कुछ दिखाऊंगी बट पहले मैं तैयार हो जाऊँ, फिर अभी नहीं। मेरे को मेरी शक्ल बहुत गंदी लग रही है। सो बाय। हेलो गाइस, सो मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मतलब हाँ ज़्यादा कुछ ही किया है मतलब इन शॉर्ट। पर बाल मैंने ऐसे ही छोड़े हैं, थोड़े से क्रिम कर पाई मैं जब तक कर पाई। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे कल दिया था। ये है एक हार्ट जो कि बहुत सॉफ्ट है और मैंने इसे अपने सोफे पर लगा लिया है। आई लव यू, ये वाला। और एक ग्रीटिंग कार्ड है, लेट मी शो यू। मतलब बहुत ही अच्छा ग्रीटिंग कार्ड है। मुझे अपने नेल्स करने हैं जो मैं कार में ही करूँगी। सो ये है वो ग्रीटिंग कार्ड। अब देखिए इसका मज़ा क्या है, इसका मज़ा है ये। और ये है ग्रीटिंग कार्ड। सो कैसा लगा आप लोगों को? आज मैंने अभी नोज़ कॉन्टोरिंग भी करी है, पर जहाँ पे दाग था वहाँ से मैंने कॉन्टोरिंग नहीं करी, मैंने आई थिंक ऊपर के एरिया से करी है, क्योंकि मैं दाग छुपा छुपा के बार बार वो अलग होता जा रहा था। तो मैं दाग छुपा छुपा के पागल हो गई थी। और आई मेकअप मैंने हल्की स्मोकी आइज करी है। लिपस्टिक मैंने लगाई है गाला ऑफ लंदन की ट्विंग। मेरी जो हॉट रेड है जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो ऑलमोस्ट ओवर हो गई, तो मुझे मंगवानी पड़ेगी।
ख़त्म हो गई वो चैप, मतलब कि एंडिंग की जब बच जाती है तो वो बीच बीच में टूट जाती, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है उसे लगा के। तो ये वाली लगाई है वो मुझे, पर आज की आज ऑर्डर करनी पड़ेगी। और गाला ऑफ लंडन की हॉट रेड इज़ माई फेवरेट। सो चले, हाँ तो मैं लिपस्टिक लेके, सॉरी तो मैं भी नेल पेंट रिमूवर लेके जा रही हूँ और नेल पॉलिश लेके जा रही हूँ पिंक, क्योंकि मैं पिंक ही लगा रही हूँ। ब्लैक जब छूटती है तो नेल्स पे बहुत ज़्यादा एक धब्बा छोड़ देती है। इन शॉर्ट वो अपने आप फ़ैन चल रहा है, आज गर्मी काफ़ी है, फ़ैन चल रहा है तो वो अपने आप बजने लगा। देखिए कितने अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो मैं इतना ही कर पाई। एक्वेरियम वापस से गंदा हो गया। एक्वेरियम क्लीनर जो क्लीन करने आएगा वो भी आ नहीं पा रहा है, पर आएगा जल्द ही वो। उसे मुझे पता करना पड़ेगा, आई थिंक फ़िल्टर ढंग से काम नहीं कर रहा है या क्या काम नहीं कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो रहा है। और मेरी लव स्टोरी पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, थैंक यू गाइस। मैं अभी सैंडल पहन रही हूँ। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वैलेंटाइन डे पार्टी। सो ये सारे मुझे इतने सारे इन्हीं के गिफ्ट मिले हैं जो मैंने अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। और ओके काचू को डब्बे में डाल दो, नहीं एक्वेरियम सिर्फ डब्बे में डाल दो ना। खाना खा लिया उसने? नहीं खाना है का। और ये खाना इन लोगों का भूल के आ गए हैं ऑफिस में, और खाना हम लोगों को एक पैकेट और लेके आना पड़ेगा इन लोगों का, वरना मेरे काची और मेरा मेरी फिशीज बहुत ज़्यादा भूखी रह जाएंगी। और मेरे को ये लग रहा है कि मुझे ऐसे कपड़ों में भी गर्मी लग रही है यार। तो आपको ऐसे कपड़ों में कैसा लग रहा है? हाँ ऐसे कपड़ों में। और हाँ तो नेल पेंट मुझे सबसे पहले करनी है। और क्या बताना है मुझे? तो आज का ब्लॉग थोड़ा पार्टी टाइप का ही रहेगा। पार्टी 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 हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। और अभी दो दिन बाद हम लोग जा रहे हैं पचमढ़ी, है ना। रिजर्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, टिकट हम लोगों ने कराई नहीं है, पर वो जल्दी मिल जाती है, क्योंकि उससे पहले हमें बोजो को हॉस्टल जाके चेक करना पड़ेगा कि बोजो का जो हॉस्टल है उसमें कुछ गंदगी या सब कुछ अच्छे से वेल मेंटेन है या नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब मैं अपने घर जाने वाली थी तो मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वहाँ पे दुनिया भर की गंद थी, वो सीमेंट वगैरह, और उससे इन्फेक्शन होने का डर था। अभी उनका कंस्ट्रक्शन बंद हो गया? हाँ कंस्ट्रक्शन तो हो गया है, पर मैं देख के आना चाहती हूँ कि क्लीनिनेस कैसी है वहाँ पे और सब कुछ कैसा है। और अगर बारिश हो रही होती तो हम लोग नहीं जाते, क्योंकि हम लोग डिसाइड किया था कि अगर बारिश होगी तो हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि बारिश के टाइम पे वो थोड़ा जंगल टाइप का ही है वहाँ पे, जितने भी सांप बिच्छू सब निकल सकते हैं, है ना, जंगल ही है ना वो पूरा। तो चलिए हम लोग चलते, पानी की बॉटल ले ली। सो हम लोग जा रहे हैं और मैं आपसे कार में बात करती हूँ अगर कर पाई तो, वरना मैं नेल्स कर रही हूँ पहले तो जाके। हम लोग जा रहे हैं TDS। सो इट्स काइंड ऑफ पब, इट्स अ काइंड ऑफ पब। और देखते हैं आप कुछ पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करिए और क्या कैसा है। और यू नो हमने कोई पासेस नहीं लिए हैं, कुछ नहीं लिए हैं, और इट्स ऑलरेडी 8:30। सो मैंने नेल पेंट लगा लिया और वो सूख रही है, और कार में लगाते लगाते इधर उधर फैल रही थी वो। सो देखते हैं, 8:35 ऑलरेडी हो गए हैं और ब्लॉग दो दिन से नहीं आया। आज पहुंच गए हम लोग और देखते हैं कि पास मिलता है नहीं मिलता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, इन्हें कुछ नहीं मालूम है, उसे भी कुछ नहीं मालूम है, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। हम लोग ऐसे जा रहे हैं, वहाँ नहीं मिला तो कहीं और सही, फिर कार ही सही, लॉन्ग ड्राइव ही सही तैयार होके। तो हम लोग वेट करते हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें लग रही है ये गया था। ओके ओके ओके।
हैप्पी वैलेंटाइन डे। जाके मैं आज सो जाऊंगी इस व्लॉग को एडिट करके, पर ये व्लॉग भी एडिट करना बहुत ज़रूरी है जबकि इतना बड़ा नहीं है बट फिर भी है। तो अभी हम लोग आधे रोड पे पहुंचे हैं, जस्ट घर की तरफ बढ़ रहे हैं और आज बहुत अच्छा वैलेंटाइन डे बना। बात ये थी जहाँ हम लोग गए थे वहाँ ज़्यादा रश नहीं था, और रश नहीं था मतलब कि लोग नहीं थे ज़्यादा, ऐसे समझ सकते हो आप कैसे लोग, सब कपल्स थे तो सब कुछ बहुत अच्छा था और काफ़ी इन्जॉय किया। बस जो डीजे था उससे मुझे इश्यूज थे, क्योंकि जो डीजे था वहाँ का वो गाने जो बजा रहा था वो उसने कम से कम एक गाना 10 बार बजाया होगा और वही उसके पास एक बैच था उसे वो रिपीट कर रहा था, और रिपीटेशन भी ऐसा कि आप एक लय में नाचते हो एक रिदम में नाचते हो बट वो पता नहीं कहाँ से कोई म्यूजिक घुसा देता था उसे और पूरा का पूरा सॉन्ग स्पॉइल कर रहा था। बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, तुम बोजो या खिलाने वाले हो? तुम व्हाट बोजो या खिलाने वाले हो? पेडिग्री। बोजो खाएगा पेडिग्री और फिशेस को हमने सुबह दे दिया था, अभी उनका खाना शॉप्स बंद हो गई, हम लोग भूल गए लाना और अच्छा काजी ने भी खा लिया था तो उन्हें सुबह ही मिलेगा अब खाना जब ये ऑफिस जाके लेके आएंगे पहले खाना। ये पता नहीं आज तुम फिश का खाना क्यों लेके गए थे वैसे? काची के लिए लेके गया था, काची को ले गया ऑफिस। ओके तो काची को तुम डेली ऑफिस लेके जाते हो? हाँ तो ये काची को डेली ऑफिस लेके जाते हैं और भूल भी गए काची को डेली ऑफिस लेके जाते हैं। बस हम लोग पहुँचने वाले हैं घर, आई थिंक पहुँच ही गए। हाँ पहुँच गए हम लोग घर, और अब मैं आपको घर में डायरेक्ट बोजो के साथ मिलती हूँ। ये बोजो की हरकतें इज नॉन स्टॉपेबल। बस यस पहुँच गए हम लोग घर, अभी घर पहुंची हूँ और मेरी लिपस्टिक यहाँ फैल गई, और एक बैड न्यूज़ है मेरा नेल टूट गया है। आई थिंक ये मेरा 1.5-2 साल में पहली बार टूटा है, और वो भी क्या हुआ, अभी मैं कार का डोर बंद कर रही थी और एकदम से मेरी लिपस्टिक मुझे बहुत इरिटेट कर रही। हाँ मैं कार का डोर बंद कर रही थी और वो सडनली फंस गया वहाँ पे और मेरे नेल का कत्ल हो गया है। और जब मैं घर आई थी मुझे क्या मिला, अप्रैल ए का कार्ड जिसे मैंने अभी तक खोला नहीं है, और मैं इसे खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। लेट मी सी इट। हमारा सा कार्ड मिला है अप्रैल ए की तरफ से, और सीरियसली ये मेरी हर वीडियो में कमेंट करती हैं और मैंने हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक ये मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रही हैं और ओह माय गॉड, और ये मेरे फर्स्ट सब्सक्राइबर की कोई भी चीज़ है जो मुझे मिली है तो ये हमेशा मेरे दिल के बहुत पास रहेगी, और सीरियसली मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और वैलेंटाइन डे और उस दिन पे मुझे मिला है, और इसमें इन्हें कुछ आई थिंक लिखा भी है जो मैं अभी पढ़ के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि ये कुछ पर्सनल है और जो मैं खुद पढ़ के खुद अच्छा फील करना चाहती हूँ। तो ये मैं कहीं ऐसी जगह पे लाऊंगी अपने घर में क्योंकि मेरी फर्स्ट सब्सक्राइबर की मतलब मेरी पहला गिफ्ट है फ्रॉम एनी सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच अप्रैल ए कि आपने ये भेजा मेरे लिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी पहले मैं बोजो को उठाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ।
Once again, thank you so much, April. मेरी तरफ से बहुत सारे hugs, kisses और सब कुछ, बहुत सारा प्यार, सब कुछ. और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. और मेरी लिपस्टिक बहुत गंदी लग रही है बस मुझे. और मैं इनसे कह रही हूँ शूज़ उतारने के लिए कब से, और ये शूज़ नहीं उतारे, बस बैठे हुए हैं. और मुझे बोजो को खोलना है. और बोजो की एक हैबिट है कि अगर ये शूज़ उतार रहे हैं तो वो सॉक्स लेके भागेगा. आई थिंक हमें इतना सॉफ्ट है, बट गाइस मुझे पता है क्या चाहिए था. मुझे ट्वीटी चाहिए थी. और ट्वीटी आपको पता होगा ना, ट्वीटी येलो कलर की रहती है जो ट्वीटी. और वो ट्वीटी मुझे नहीं दी किसी ने भी. क्या हुआ, इनसे मैंने बोला तो ये यहीं से इसे ले आए. और इन्हें अगर ट्वीटी चाहिए थी तो आई थिंक ट्वीटी हर जगह मिल भी नहीं पाती आराम से. मतलब आपको ये नहीं चाहिए तो ये पागल हो गए हैं. हाँ, तो मुझे ट्वीटी चाहिए थी और ट्वीटी मुझे मिल नहीं पा रही थी. अब मैं कोशिश करूंगी मैं ट्वीटी भी मिल जाए. और ट्वीटी मैंने शायद इनकी वेडिंग एनिवर्सरी में दे दूंगे. कोई बात है, वेडिंग एनिवर्सरी में तो मुझे ट्वीटी दोगे? सस्ते में नहीं पढ़ना चाहते? अरे ट्वीटी ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री में, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री लीव इट. हाँ, तो क्या हुआ था, मैंने इनकी एक इनकी कज़न बहन को ट्वीटी दी थी बर्थडे पे. वो बहुत प्यारी ट्वीटी थी, बहुत प्यारी ट्वीटी थी. और उसने क्या किया, उसने वो ट्वीटी एक्सचेंज करके आई थिंक टेडी बेयर ले लिया था. मुझे अगर पता होता, क्योंकि उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे पता होता अगर वो ट्वीटी एक्सचेंज, और वो सिंगल ट्वीटी थी, और मुझे पता था वो अगर पता होता कि अगर वो ट्वीटी एक्सचेंज करने जा रही है तो मैं उससे कह देती बहन मुझे दे दे और तू जाके ले ले टेडी बियर. बट उनने जाके चेंज कर दी. और फिर इनने मुझे आई थिंक काफ़ी महीनों बाद बताया कि वो ट्वीटी नहीं है. जब मैं घर आई तो मैंने सबसे पहले देखा, इन्हें भी नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, मैंने सबसे पहले देखा वो ट्वीटी कहाँ है. और फिर फाइनली मुझे वो ट्वीटी इन्हें बताया कि वो ट्वीटी उसने वापस कर दी है. अभी तो मैं ट्वीटी नहीं दे पाया था. और तब से मेरे को ट्वीटी नहीं मिली है. तुम खुद ट्वीटी हो, तुम्हें ट्वीटी की क्या जरूरत है? मैं ट्वीटी और बस भैया बोजो वेट कर रहा है. बोजो कर रही हूँ कपड़े चेंज, और उसके बाद फिर मैं आपको बोजो से मिलवाती हूँ और फिर इस ब्लॉग को एंड करूँगी. ब्लॉग ऐवे ही था, बट थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो बनता है वैलेंटाइन डे का. और क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है, आपको मेरी आंखों से दिख रहा होगा. और मेरी सुबह से तबीयत बहुत ज़्यादा ही अजीब सी हो रही है. मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब कि नींद आ रही है, मतलब कि मैं कभी भी कहीं पे भी लड़क सकती हूँ, ऐसी नींद आ रही है. मैं आज शायद सुबह से उठ के तीन चार बार अपने बेड पे गई और सो गई. इनने मुझे उठाया, फिर मैं फिर सो गई, फिर उठाया, फिर सो गई. मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं पूरा दिन से सो रही हूँ. और तुमने मुझे गोलगप्पे फिर नहीं खिलाए. 3-4 दिन हो गए कोई मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाता है. मुझे गोलगप्पे खाने का बहुत मन है 3-4 दिन से. और मुझे गोलगप्पे अब मेरे को लग रहा है कि फाइनली मुझे खुद घर में बनाने पड़ेंगे. और मेरे को लगता है मुझे घर में ही बना लेने चाहिए, वो ज़्यादा सेफ और सिक्योर है. अच्छा, बाहर अभी अच्छा नहीं मिल रहा होगा. हाँ ठीक है, मैं कल ना गोलगप्पे बना के रख लेती हूँ एयरटाइट कंटेनर में, पानी कर लेती हूँ ठंडा. हाँ, मैं कल गोलगप्पे बना के एयरटाइट कंटेनर में रखूँगी और पानी कर लूँगी ठंडा. और एक काम करती हूँ, कल गोलगप्पे की कुकिंग वीडियो शूट करती हूँ कि आप लोगों को गोलगप्पा खाने मिले घर में. आई थिंक मैं ऑलरेडी अपने इस मेन चैनल में शूट कर चुकी हूँ, बट कुकिंग चैनल में भी शूट करनी चाहिए मेरे को, क्योंकि कुकिंग है तो जो शूट कर चुकी है इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुछ लोग सिर्फ कुकिंग देखना चाहते, कुछ लोग मुझे नहीं देखना चाहते. तो कुकिंग रेसिपी नहीं बताई है आई थिंक, बट उसमें मैंने वो बताई है आई थिंक सोडा वाटर वाली बताई है. बट अब मैं बेकिंग पाउडर वाली बताऊंगी, क्योंकि मुझे सोडा वाटर वाली इतनी अच्छी है, उसमें सारे गोलगप्पे फूल जाते हैं. बट मैं बेकिंग सोडा वाली बताऊंगी, मतलब बेकिंग पाउडर वाली, सोडा वाली नहीं, वो ज़्यादा सही रहेगी. तो मैं कल गोलगप्पे बनाऊंगी और बना के मैं रख रही हूँ, ताकि कम से कम मुझे जब मन करे तो मैं एक दो खाती रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन से मन हो रहा है. हाँ, और घर के गोलगप्पे इतने हैवी भी रहते हैं, क्योंकि सूजी की बनाती हूँ मैं प्योर. कि हमने जब गोलगप्पा चैलेंज किया था तो 15 गोलगप्पे से ज़्यादा नहीं खाए गए थे, पर जीतती मैं उसमें राजा तुमसे. मैं जीत जाती, पर मेरे को एक हैबिट है, अगर मैं गोलगप्पे बना रही हूँ तो मैं गोलगप्पे की पपड़ी जो बनती रहती है वो साथ साथ मैं खाती रहती हूँ. तो उससे मेरा पेट भर गया था, इसलिए मैं वो चैलेंज हार गई. वरना मैं तो 30-40 गोलगप्पे तो ऐसे ही खा जाऊँ. वरना मैं 30-40 गोलगप्पे तो ऐसे ही खा लूँ. चलिए ने हमें लिए, मेरे को मेकअप निकालना है और मेरा दिल उल्टा हो गया है. आज का दिन बहुत अच्छा था, मतलब मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है. बोजो की एक बहुत बुरी हैबिट है, उसे नहला दिया, धुला दिया, सैनिटाइजर से सब कुछ कर दिया.
बट ही स्टिल डूइंग और उसके बाल ऐसे निकल रहे हैं। अरे पता है उसको दवाई लाए थे ना जो हम लोग, वो दवाई लगाओ छोटू। हाय आ जा आलिन, क्या हो रहा है? हाय देखो वहां, देखो वहां, देखो बनी रुको क्लीन कर रहा है, रुक जाओ मैं देख रही हूँ, मैं तो पकड़ ही रही हूँ। ओ माय बनी जो ट्री था तुम्हें खाना खाना है। ओह मेरे बाबू बहुत हाफ रहा है, मैंने इसे कपड़े निकाल दिए क्योंकि आई थिंक यार पता गर्म हो रहा है, इसे कपड़े मत पहनाओ क्योंकि आज गर्मी बहुत हो रही है ना, बहुत गर्मी हो रही है ना। अरे सुनो बनी बच्चे, मेरी बच्ची, मोरी बच्ची, मोरी बच्ची है ये बेचारा, बहुत हाफ है। पानी पी लो बेबी, अभी से मैं खाना खिलाएं, अभी से मैं खाना खिलाने जाऊंगी। और आपको एक बात बताती हूँ, ये मेरे हाथ से खाना नहीं खाता है, ही जस्ट हेट मी इतना। हाँ ये मेरे साथ, हम इसका साथ एक चीज़ है, ये खेलने के लिए मैं हूँ कि जितना खेलना खुलना है इसे मेरे साथ खेलेगा। कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ मैं छोड़ रही हूँ। हाँ अगर इसे खेलना है तो ये सिर्फ मेरे साथ खेलेगा, और अगर इसे खाना खाना है तो ये राजा के साथ खाएगा, मतलब राजा से खिलाएगा तो ये खाना खाएगा। और या फिर बाल लग गया इसका, या फिर अगर मेड आती है ना तो ये मेड, मेड जब आती है तो ये मेड के उससे खाता है खाना, कि मेड आई है, मेड के हाथ से नहीं मतलब मेड को देख के उससे खाना खाता है, जल्दी जल्दी पूछ हिला हिला के। या फिर कोई भी नया इंसान आएगा उसे देख के ये खुश होके खाना खाता है, इनके अलग ही ढकोसले टाइप के हैं राजा। और पता है इसको थोड़ा ना पेडिग्री ना भिगो के, अब जैसे गर्मी आएगी ना हल्की सी दही डाल के दोपहर में, रात में नहीं क्योंकि रात में ठंडी हो जाएगी। और इसे खीरा खाना बहुत पसंद है, और खीरा मेरा फेवरेट है, मतलब क्यूकम्बर, इसे खीरा बहुत पसंद है और मुझे खीरा बहुत पसंद है, इससे ये साबित होता है कि ये मेरा बेटा है क्योंकि हम लोग खीरा प्रेमी है। जब मैं खीरा काटती हूँ तो बोझो खीरा खाता है, है ना। इन्हें नींद आ रही है, मेरे को इन्हें भी सला देना चाहिए, पर मेरे को अभी रात में बैठ के ब्लॉग एडिट करना है, और मैंने एक दो रिव्यू शूट करे हैं वो एडिट करने हैं, और कल से आएंगे एकदम नॉर्मल ब्लॉग। कल गोलगप्पे की रेसिपी शूट करूँगी मैं। ओ माय गॉड ये लिपस्टिक ना आधी है आधी नहीं है, एक यहाँ फैल गई थी, बट लिपस्टिक बहुत अच्छी है। गाला ऑफ लंदन की कुछ जो लिपस्टिक के कलर हैं, लाइक एक है हॉट रेड, एक है रोज़, एक है पिंक पिंक, और एक है ट्विंग, ये चार कलर मेरे फेवरेट है। मैंने पीच मंगवाया था, पीच बहुत पैची है, या फिर वो उसका जो फॉर्मुलेशन जो मेरे पास आया है वो सही नहीं आया है, तो वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैची, वो मैंने लगाया भी नहीं है। सो यस और कुछ गाइस, आज ज़्यादा कुछ था नहीं, जो भी गिफ्ट थे, जितना पार्टी मैंने करी और जो भी किया वो है। राजा देखो काची क्या कर रहा है यार, काची को थोड़ी देर के लिए एक्वेरियम में डाल दो, एक्सरसाइज कर लेगा वो। हम लोग आजकल काची को तीन चार जगह रखते हैं, जैसे कि एक उसका खुद का डब्बा है जिसमें वो रात में सोता है, एक हो गया एक्वेरियम, एक्वेरियम में क्या करता है वो, एक्वेरियम में खाना खाने के बाद एक्सरसाइज भी घूमना ज़रूरी है, और एक उसका हमने एक बड़ा सा कार्डबोर्ड रख दिया है कि बिल्कुल वाटर के बिना भी वहाँ पे घूमे। तो हम उसे तीन तरह के हैबिटाइट में रखते जो हम उसे पहले नहीं रखते थे, तो इसीलिए आई थिंक वो सिक हो गया, तो उसे खाना हजम नहीं हुआ या कुछ हुआ, तो उसे वॉमिटिंग के कारण पहला वाला इससे दिक्कत हो गई थी। तो अब हम इसकी बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं और वो फ़िलहाल सो रहा है। अब मुझे लगता है कि हम लोग उसे एक्वेरियम में डाल देना चाहिए ताकि थोड़ा स्विम करे, थोड़ा चल फिर ले खाना खाने के बाद, क्योंकि हर चीज़, हर किसी को अपनी पाचन शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत होती है। सो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और इस बोजो को देखिए आप, वो स्टिल वही कर रहा है जो कर रहा था। बोलो चलो चले चलो चले चलो चलना तो चल लो चले चलो 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 मत करो बाबू, नंगू हो गया तुम आज, शर्म नहीं आई तुम्हें ब्लॉग में नंगे आने में? शर्म करो, शर्म शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसे नंगे होगे तुम ब्लॉग में, नंगे होगे तुम उस ब्लॉग में, नंगू नंगू मेरी बाबू। सो गाइस मैं अब जा रही हूँ उसे खाना खिलाने, जो कि मैं नहीं खिलाऊंगी, ये खिलाएंगी, और ये इससे पहले सो जाए उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि ये खाना खा ले। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल, और आई थिंक रिव्यू आज वेडनेसडे, रिव्यू वेडनेसडे को नहीं थर्सडे को 5 बजे आएगा। और थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, इस गिफ्ट के लिए, और हर चीज़ के लिए, और मेरी लव स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है उसके लिए। So that's all for today. I hope you like it, and if you did, please don't forget to subscribe this channel and follow me on all my social media links which are in the description box, and I will catch you in my next video.